चलिए निमसेट के एक नए टॉपर से मिलते हैं, अभिषेक से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 137 है, जो कि जयपुर से है, जयपुर राजस्थान से। तो अभिषेक, सबसे पहले 137 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो अभिषेक, आपने क्योंकि ये ड्रॉप ईयर के साथ रैंक अचीव किए, तो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या, कब आपने निमसेट के लिए सोचा, फिर किस ढंग से आपने अपनी पढ़ाई की, किस तरह से टेस्ट पेपर दिए, पूरी इंटायर जर्नी जो है मैं चाहूंगा आप बताओ। सर निमसेट के बारे में मुझे फाइनल में आके पता चला था। इससे पहले ठीक मुझे है, इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने फाइनल के साथ स्टार्ट भी किया थोड़ा बहुत, पर फाइनल के साथ मैंने जुआनी में कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था, तो यूं ही चलता रहा। फिर तो फाइनल के साथ जब पेपर दिया तो उसमें रैंक इतनी अच्छी कुछ आई नहीं, तो फिर मैं देख रहा था कि क्या करूँ, ड्रॉप लूँ ना लूँ। उसमें मेरा बहुत समय मैंने खराब कर दिया सोचने में भी। तो फिर मैंने सोचा, घरवालों ने बोला भाई ले लो एक ड्रॉप, क्या होता है, एक साल की बात है, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी तो वो मैनेज हो ही जाएगा। तो फिर मैंने कोचिंग सर्च की तो आपकी कोचिंग मिली, तो मैंने आपकी कोचिंग से ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया था। तो फिर आपके साथ तैयारी की तो मैनेज भी हो गया। वैसे मेरे साथ मैनेज होता नहीं था, वैसे ज़्यादातर मैं क्या कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था, वैसे वीडियो लेक्चर के साथ साथ मेरा मैनेज हो गया था। तो इम्पीटस के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, टेस्ट पेपर्स वगैरह पे किस तरह से आप परफॉर्म करते थे? टेस्ट पेपर्स में सर शुरुआत में तो मेरा स्कोर मतलब कम ही रहता था, फिर धीरे धीरे मैनेज हो गया वो भी। चलो, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, जब टेस्ट पेपर में स्कोर अप डाउन आते थे तो कुछ स्ट्रेस होता था, ड्रॉप लिया, क्या होगा क्या नहीं, मतलब इस बात को लेके कभी स्ट्रेस होता था? सर वो तो होता है। तब मैंने दिसंबर के आसपास आके मैंने थोड़ा लीव कर दिया था, एग्जाम प्रिपरेशन ओके, छोड़ दी थी, इसके चलते मैंने दिसंबर फिर मिड जनवरी में फिर से स्टार्ट किया था। मैंने 1-1.5 महीने के लिए छोड़ दी थी प्रिपरेशन। नहीं छोड़ते बेटा, तो 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट रैंक हो सकती थी। हाँ हाँ मैंने छोड़ दी, फिर फिर घरवालों ने बोला कि करो दोबारा करो तैयारी, एग्जाम तो दो कम से कम, फिर मैंने फिर से स्टार्ट की। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ मुझे अभिषेक, कि जब आप एग्जाम देने गए तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्या माइंडसेट था, क्या थॉट चल रहे थे दिमाग में? सर एग्जाम सेंटर में मैं जितना हो सके उतना स्ट्रेस दूर करने का प्रयास में था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पेपर खराब हो, क्योंकि मैंने ठीक है तैयारी कम ही की थी। मैंने मैथ मैथ अच्छे से की थी, रीजनिंग कंप्यूटर की कम हुई थी मेरी तैयारी, ठीक है, तो मैं रिलैक्स माइंड से बैठा हुआ था वहाँ पे। तो सर पर फिर भी थोड़ा बहुत होता ही है एग्जाम सेंटर पे, पर जो पेपर देखा तो ठीक जा रहा था, तो मुझे इतना कुछ हुआ नहीं फिर। चलो एक बात तो समझ में आ गई, आपको देख के आप काफी वैसे रिलैक्स भी हो, अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय भी करते हो, पर आप उसके साथ भी अच्छी पढ़ाई कर लेते हो, कम समय में भी अच्छी पढ़ाई करके रिजल्ट दे सकते हो, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, बहुत खुशी की बात है। तो अभिषेक ये बताओ मुझे कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली वो चीज जो आपने, आपको लगता है कि ये ना करें तो और अच्छा होगा, और किन किन बातों का ध्यान रखें वो? सर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपका फाइनल के साथ नहीं होता, अगर आप ड्रॉप लेने की सोचते हो तो जल्दी करें, क्योंकि मैंने बहुत टाइम खराब कर दिया ड्रॉप लेने के लिए। मैंने अक्टूबर के आसपास आया था, मैं तब मैंने अक्टूबर के आसपास स्टार्ट की थी, तो मैं पहले भी कर सकता था। और एक एक मिड मिड एग्जाम की तैयारी करते वक्त बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पूरी तैयारी करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। तो चलो यही है खैर, बहुत अच्छी बात है, तो आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप ऐसे ही NIT में भी जाके बेस्ट परफॉर्म करो, और आगे से कोई भी डिसीजन टाइम पे लेके और अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि मैं जो एक बात फील कर रहा हूँ कि आप कम समय में जब इतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो 100% टाइम दे के बहुत अच्छा और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ, वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।